फाइनली यहाँ पर पबजी को बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, और अगर कोई भी जिम्मेदार कंट्री की गवर्नमेंट होती तो वो भी यही काम करती जो कि हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि किसी गेम के मुकाबले हमारी देश की जो सिक्योरिटी है ना, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब यार हमारी इंडिया में पबजी मोबाइल एक बहुत ही फेमस गेम था, और अगर आप YouTube पर जाते हो तो मैं मानता हूँ 90% इंडियंस जो है गेम स्ट्रीम करते हैं वो PUBG मोबाइल ही करते हैं। अब PUBG मोबाइल तो यार बैन हो चुका है, इसका क्या असर पड़ेगा हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी पे, और कुछ लोगों को पर्सनली मैं खुद सजेशन देना चाहता हूँ कि वो अब YouTube पर आगे क्या करना चाहिए उनको। वेल तो अगर आप भी इसी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर, सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई विंडो कीज डॉट इन। अगर आप चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप विंडो की डॉट इन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपए में और रिटेल की 1350 रुपए में देखने को मिल जाती है, और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब पर्सनली आप PUBG मोबाइल को खुद खेलते हो या ना खेलते हो, PUBG मोबाइल आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि PUBG मोबाइल के आने के बाद ही इंडिया में गेमिंग का ट्रेंड आया हुआ था। और YouTube पे PUBG मोबाइल सबसे ज्यादा इसीलिए जो है पसंद किया जाता था क्योंकि इंडियन ऑडियंस की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि वो लोग वही देखना पसंद करते हैं जो वो काम खुद कर सकते हो। दैट इज वाई यहाँ पर PUBG मोबाइल काफी ज्यादा पॉपुलर था। और सेम चीज GTA 5 पर भी अप्लाई होती है। GTA 5 के रोल प्ले जो लोग स्ट्रीम करते हैं उनकी वॉचिंग इसीलिए इतनी ज्यादा जाती है क्योंकि हमारी इंडियन ऑडियंस GTA 5 खेल सकती है। इसीलिए जो लोग PUBG मोबाइल और GTA 5 स्ट्रीम करते हैं उनकी वॉचिंग इतनी ज्यादा जाती है कंपैरिजन टू अदर गेम्स। अब यहां पर PUBG मोबाइल का काफी लोचा चल रहा था हमारी कंट्री में, हमारी जो यूथ है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके थे। लिटरली मैं आपको बताऊं, आज से 5-6 साल पहले जब मैं पार्क जाता तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोबाइल पर लगे रहते थे, लेकिन अब मैं जब पार्क जाता हूं तो मैं देखता हूं बंदे अपनी कोचिंग बंक करके बोलते हैं यार मुझे रिवाइव कर, अबे उधर छुपाए। तो यार ये सब PUBG की देन थी। PUBG का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, लोगों ने सुसाइड कर लिया, बंदों ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 16-17 लाख रुपए तक UC खरीद डाली, स्किन्स खरीद डाले। तो यार बहुत चुतियाब चल रहा था कंट्री के अंदर। और फिर जब हमारे रिलेशंस चाइना के साथ खराब हो गए तो इंडिया ने जो है बाकी जितने भी चाइनीज ऐप्स थे उन पर जो है जांच बैठा दी, देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग डेटा जो है अपने चाइनीज सर्वर पर भेजते हैं। ये काफ़ी अच्छा मूव था क्योंकि हमारी देश की सिक्योरिटी किसी की भी गेम से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, किसी गेम की कोई वैल्यू नहीं है हमारी कंट्री के आगे। अब जाहिर सी बात है यार, गेम पर बैन लगा है तो काफी लोगों की लिविंग पर काफी फर्क पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों पर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जो लोग इस गेम को स्ट्रीम करते थे या जो लोग इस गेम पर अपना करियर बिल्ड करने वाले थे। अब जो लोग नए YouTube पर आए थे, स्ट्रीम कर रहे थे, थोड़ी बहुत अर्निंग कर रहे थे, सुपर चैट उनको मिल रही थी, तो उनके लिए तो यार ये बुरी खबर है क्योंकि उनका ये लिविंग था। उनके लिए यहाँ पर मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, और बाद में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग इस गेम को पर्सनली खेलते हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो यार यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज नहीं तो कल इस गेम को जाना ही था। बैन नहीं होता तो इस गेम का क्रेज खत्म हो जाता, लोग इसे देखना बंद कर देते, और इस गेम का भी वही हाल होता जो कि PUBG PC का हुआ है। आप YouTube पर देख सकते हो, आप Twitch पर देख सकते हो, PUBG PC को बहुत कम लोग स्ट्रीम करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है यार उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब जो लोग स्ट्रीम करते थे उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है PC पर आइए, PC कम्युनिटी को ग्रो करिए। आप में जहां पर इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी को इतना ग्रो करा तो थोड़ा बहुत PC में कंट्रीब्यूट करना तो बनता है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको कि आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि GTA 5 रोल प्ले हो गया। वही अगर आपको थोड़ा से कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने हैं तो आप वैलोरेंट को ट्राई कर सकते हो। वैलोरेंट आजकल इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के स्ट्रीमर्स हैं जो कि वैलोरेंट को स्ट्रीम भी कर रहे हैं। और इनके थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन खेलने में झिझकते हो ना तो आप यहाँ पर थोड़े से नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि GTA 5 रोल प्ले हो गया। बाकी और भी बहुत सारे गेम्स आते हैं, बैटलफील्ड हो गया, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग गेम देखने नहीं आते, लोग आपके स्किल्स देखने आते हैं। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए यार, आपकी ऑडियंस कहीं नहीं जाएगी, जाएगी कहाँ, वो आएगी आपके पास ही। और वही दूसरी तरफ जो लोग इस गेम पर अपना करियर बिल्ड करना चाहते थे उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, यार देखो एंड्रॉयड पर और भी कॉम्पिटेटिव गेम है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, COD को भी आप ट्राई कर सकते हो, फ्री फायर, बाकी फॉर्टनाइट भी आता है, फॉर्टनाइट को भी आप ट्राई कर सकते हो, और भी गेम्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हो सकता हो फ्यूचर में और भी गेम्स आए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, और इनके अगर आपको दूसरे एंड्रॉयड गेम समझ में नहीं आते तो आप हमारी PC कम्युनिटी में भी स्विच कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत बड़ा करियर मिलेगा। तमाम गेम है जिस पर आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो एज अ गेमर, एज अ स्ट्रीमर, बहुत बड़ा फील्ड है कंपेरिजन टू एक छोटा सा एंड्रॉयड। तो यार एट दिन यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप
पीसी कम्युनिटी में आके हमारी कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यार हम आपका जरूर वेलकम करेंगे। और आई होप पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद हमारी पीसी कम्युनिटी को थोड़ा बहुत पुश मिलेगा। वेल तो दोस्तों ये तो इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।